हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेगस वर्ज। मैं हूं शोभिक और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ग्लैमर एफआई आईबीएस, इस बाइक का डिटेल्ड रिव्यू। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, 125 सीसी जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे हीरो बहुत बड़ा एक नाम है और बहुत अच्छे बाइक्स अभी तक बनाते आ रहा है। और उसी सेगमेंट पे हीरो का बहुत ही पॉपुलर ग्लैमर एफआई का एक अपडेटेड वर्सन है ग्लैमर एफआई आईबीएस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe to Bikers Buzz channel and press the bell icon to get all the notification. मैं इस वीडियो को दो हिस्सों में बांटूंगा। जो पहला हिस्सा है उसमें मैं इस बाइक का जो प्रोज है यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और दूसरे हिस्सों में इसका नेगेटिव पॉइंट्स। प्रोज में पहले आता है इसका लुक। बाइक दिखने में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर टैंक के ऊपर चेकर्ड फ्लैग डिजाइन दिया गया है जो ओवरऑल डिजाइन को स्मार्टनेस देता है। स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और फ्रंट मडगार्ड के ऊपर आईबीएस बैजिंग, और यहाँ पर टैंक के ऊपर 3D में ग्लैमर लिखा है जो काफ़ी यूनिक लगता है। लॉन्ग एग्जॉस्ट और ये टायर हगर इस बाइक को एक मॉडर्न लुक देता है। टेल लैम्प डिजाइन उतना खास कुछ नहीं है और यहाँ पे आपको ओपन ग्रैबलेस मिलता है। हेडलैम्प डिजाइन ओके टाइप का है, उतना खास कुछ नहीं है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंजन रिफाइनमेंट लेवल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको FI इंजन मिलता है और इंजन का रिफाइनमेंट लेवल बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पे हीरो का भरोसा मिलता है और ये इंजन बहुत रिलायबल है। इंजन का पावर भी डेली कम्यूटिंग के लिए सफिशियंट है। तीसरा पॉजिटिव साइड है इसका राइडिंग क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा राइडिंग क्वालिटी है। इसका सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा है कि आपको कोई झटका महसूस नहीं होता है। जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हैं, ऐसे रास्ते पे भी मैंने इसको चलाया था लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सस्पेंशन बहुत ही स्मूथ है और यहाँ पे जो सीट कंपनी ने प्रोवाइड किया है बहुत ही वेल कुशन्ड है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता। कंफर्ट के मामले में ये दूसरे बाइक को कड़ी टक्कर देती है। दो सफिशेंटली हेवी लोग बैठने के बाद भी बाइक का इंजन बहुत अच्छा पुल कर रही है। इसका पिकअप बहुत ही उम्दा है। चौथा प्लस पॉइंट है इसका ब्रेकिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको IBS मिलता है, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे आपने CVS के बारे में सुना था, ये वही है, सिर्फ नाम चेंज किया गया है। सामने बाई ब्रेक की तरफ से फ्रंट डिस्क मिलता है जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और IBS होने के कारण ओवरऑल ब्रेकिंग बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। पांचवा पॉइंट है इसका माइलेज। जी हाँ दोस्तों, FI इंजन होने के कारण इसका माइलेज बहुत ही अच्छा है। आपको इस बाइक से 60 प्लस माइलेज आराम से मिल जाएगा। सिक्स पॉइंट है इसका एनालॉग डिजिटल कंसोल जो बहुत ही एडवांस्ड है और दिखने में भी ठीक ठाक लगता है। सातवां पॉइंट है हीरो का बढ़िया सर्विस नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, लगभग सारी जगहों पे हीरो का सर्विस सेंटर आपको मिल जाएगा, जिसके बदौलत इसको सर्विसिंग करना आपके लिए बहुत इजी हो गया है, और इसके साथ ही इसका जो स्पेयर पार्ट्स है उसके कॉस्ट भी बहुत ही कम है। अब नज़र डालते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर। नंबर एक, इसका हैलोजन हेडलाइट। यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प नहीं मिलता है, और जो हैलोजन लैम्प मिलता है उसका नाइट विजिबिलिटी भी कुछ खास नहीं है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसमें फिफ्थ गियर का ना होना। इसका राइवल साइन SP में ये फीचर मिलता है। थर्ड पॉइंट है इसके पतले टायर। पतले टायर होने के वजह से इसका रोड ग्रिप और बैलेंस थोड़ा कम लगता है, और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा ख़राब होता है। फोर्थ पॉइंट है इसका FI टेक्नोलॉजी। जो FI टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छा एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर ख़राब हो जाए तो रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है, तो एक तरह से एक कौन है। और FI टेक्नोलॉजी ज़्यादा मेंटेनेंस भी डिमांड करती है। फिफ्थ पॉइंट है इसका प्राइस। इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 86,000 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ।